तो गाइस मैं आप सभी के लिए बता दूं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, क्योंकि भाई आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहे हैं। इंस्टाग्राम ही नहीं, बहुत कुछ हैक हो रहा है भाई। तो यार सतर्क हो जाइए, मैं आप सभी के लिए हूं ना। मैं आप सभी के लिए एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्या भाई कोई भी हैक नहीं कर सकता। जी हाँ गाइस, यमराज भी आ जाए ना, वो भी हैक नहीं कर पाएगा। तो गाइस यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, दिल से बुरा लगता है भाई यार, कसम से। तो गाइस यदि आप भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने से बचाना चाहते हो तो आपको एक सेटिंग करनी होगी जिसका नेम है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ गाइस, यदि आपने अभी तक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन। चलिए गाइस अब मैं आप सभी के लिए बता देता हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक नीचे सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलते होंगे, ठीक है, तीन ऑप्शन देखने मिलते होंगे। जैसे ही आप इन ऑप्शन पर, पहले ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, तो मैं आप सभी के लिए ऐप को कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के द्वारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी के लिए करना क्या है, यदि आप व्हाट्सएप से करना चाहते हो तो आपके लिए भाई व्हाट्सएप पे टू स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यदि आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है व्हाट्सएप पर तो यार टू स्टेप वेरिफिकेशन आप कर लीजिए। व्हाट्सएप का टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, लिंक मैंने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप व्हाट्सएप का टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में अच्छी तरह सीख सकते हैं और अपने मोबाइल का आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं आप सभी के लिए बता देता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज के द्वारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कैसे करें इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए वही बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, एक कोड आएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपके एक कोड आएगा, उस कोड को डालकर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर कोड को डालोगे तो आप यहाँ पे आपका एक रिकवरी कोड आ जाएगा, आप इस कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने क्लाउड स्टोरेज में जाके जहाँ पर भी आप अपने फोटो को डॉक्यूमेंट्स को स्टोरेज करके रखते हो सिंपली आप वहाँ पे जाके ये स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना समझ आ गया है कि कैसे करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और इंस्टाग्राम का, तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में मैंने सब कुछ जानकारी दे दी है, ठीक है। तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कभी भी हैक नहीं हो। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल जनरल कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा। चलिए मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।